नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों जो छठा चैप्टर है हीट टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका देखेंगे। और ये पहले साल का दोस्तों ये हम लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, ठीक। और ये पूर्णतः निम्न पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, तो इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस बार सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर जो छठवां आपका चैप्टर है ये है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, ठीक, ईयर वन मॉड्यूल सिक्स, ठीक। तो हीट टेम्परेचर एंड प्रेशर यही चैप्टर है। अब इसमें दोस्तों देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया है विच रिफर्स द टेम्परेचर, यानी तापमान किसको संदर्भित करता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, जो तापमान होता है यह संदर्भित जो करता है दोस्तों, ये आपको संदर्भित करता है कि इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट, यह ऊष्मा की अवस्था को बताती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 113 का बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का, कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वह जूल, ठीक, एसआई इकाई जूल होती है। कैलोरी जो होता है ये इसका सेल्सियस मात्रक होता है, ठीक। अब देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है दोस्तों वह आपका रहता है 115 के यहाँ पर हो जाएगा कैलोरी मीटर। तो कैलोरी मीटर के द्वारा हम लोग दोस्तों ऊष्मा को मापते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 115 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। थर्मामीटर द्वारा तापमान मापा जाता है, और पैरोमीटर, ये आप लोग बैरोमीटर द्वारा आपका क्या नापा जाता है, तो यह आपका नापा जाता है दबाव। अब देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, कह रहे हैं यहाँ पर एक फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इस पर आपका पूरा ये चैप्टर इसी पे काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा आगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 ग्राम पानी है तो यम का मान 1 कर दिया है, तो बाकी यहाँ पर यस कर देते हैं। और यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कि डेल्टा टी का मान यहाँ पर 1, तो कह रहा है कि क्यू इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू एस, ठीक। यानी कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग क्या कहेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा यह जो आपका रहता है यहाँ पर, देखिए कि जो यहाँ पर हीट रहेगा ये हमारा क्या रहता है, हीट रहता है ये किसके बराबर है, ये स्पेसिफिक हीट रहता है, ठीक। और यहाँ पर जो क्यू निकल कर आता है दोस्तों, ये हमारा निकल कर आता है कैलोरी में, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो मात्रा निकल कर आता है ये आपका कैलोरी में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए 1 कैलोरी, यहाँ पर इसे आप लोग बना लीजिएगा 1 कैलोरी, ठीक। पानी के विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर एस का मान कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक। तो एक चीज यहाँ पर अब आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक, कि यहाँ पर देखिए कि एम का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, एस का मान पानी के लिए 1 होता है, और डेल्टा टी का मान यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, तो ये आपका 1 कैलोरी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 कैलोरी हो जाएगा, 116 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 117 नंबर का क्वेश्चन, और वैसे भी दोस्तों इसमें देखिए थोड़ा आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर व्हाट इज द क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात किया गया था, कि मात्रा क्या होगा हीट रिक्वायर का, तो 1 कैलोरी यहाँ पर मात्रा आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट होगा, 1 कैलोरी। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मैंने आपको पहले ही बताया है यार कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो 1 होती है, यहाँ पर ये आपका क्या रहेगा विशिष्ट ऊष्मा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 118 नंबर का, कह रहे हैं यहाँ पर व्हिच टाइप हीट इज द
हीट एब्जॉर्ब आर गिवन ऑफ बाय ए सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट। किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो यहाँ पर सेंसिबल हीट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो किसी प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है, उसे हम लोग सेंसिबल हीट कहते हैं। 118 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए, पानी का क्वथनांक पूछा गया है यहाँ पर कितना होगा फारेनहाइट में। तो देखिए, इसको मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का क्वथनांक, ठीक, ये कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब इसको बदलना किसमें, फारेनहाइट में। तो देखिए, एक होता है फार्मूला कि सी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32/9। तो ये होता है आपका सी का मान, यहाँ पर देखिए सेंटीग्रेड में कितना दिया है 100/5 हो जाएगा, एफ माइनस 32/9, 5 से काटेंगे तो ये हमारा आ गया 20। तो 9 × 2 = 18, 180 इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ माइनस 32। तो f का मान कितना आ जाएगा, 32 और 180 कितना हो जाएगा आपका 200, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 119 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा 119 का ए आंसर। 120 नंबर देखिए क्वेश्चन करें, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? देखिए, केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो देखिए, तो ये कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 273 डिग्री केल्विन यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो पानी का गलनांक होता है वह कितना होता है आपका, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में जब बदलेंगे तो यहाँ पर 273 हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारा किस में आ जाता है, केल्विन में। तो ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 121 नंबर का क्वेश्चन, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस इंटू फारेनहाइट। 45 डिग्री को फारेनहाइट में बदलिए। तो देखिए, यहाँ पर 45 डिग्री को बदलना है तो यही फार्मूला लगाइए, सी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32/9। तो सी का मान यहाँ पर दिया है 45/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9, यही 5 से कटेगा ये 9, 9 कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 81 इक्वल टू एफ माइनस 32। तो एफ का मान देखिए कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2, 1, 3 और 8, 3, 11, 113 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 121 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर है 122 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पर, एट व्हाट टेम्परेचर विल फारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मामीटर गिव द सेम रिकॉर्डिंग। किस तापमान पर फारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं? तो देखिए, मैं हिंदी सही नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग बना, मैं पढ़ सही रहा हूँ। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब मानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों पीडीएफ में काफ़ी गड़बड़ी है निम्मी के द्वारा, तो आप लोग इसे मैं पढ़ सही रहा हूँ, आप लोग अपना उसे बना लीजिएगा। तो किस तापमान पर फारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं? तो ये रहता है दोस्तों आपका माइनस 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 122 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए सी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32/9, यही होता है सी बाई फाइव, यहाँ पर कब बराबर होंगे, यानी कि सी इक्वल टू एफ होंगे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सी माइनस 32/9, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9C = 5C माइनस, ये देखिए 5 × 10 = 0, 5×15 = 116 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 9C में से 5C जाएगा तो 4C = कितना आ जाएगा, -160, और 4C से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, यानी कि -40 यहाँ पर आ गया। 122 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट -173 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलेंगे, तो केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, +273 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब 273 और +273 आपस में जुड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पर 123 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 123 का ए आंसर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 124 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फारेनहाइट। 20 डिग्री फारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, तो वही निकाल लीजिए, C/5 इक्वल टू F-32/9, यही होता है। तो C का मान हमको ज्ञात करना है, तो C/5 इक्वल टू F को मान यहाँ पर 20 दिया, -32/9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9C हो जाएगा, 9C इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 20 में से 32 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, -12 आएगा, तो 12 25 60 यानी कि -60 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे हम लोग कितना आएगा, देखिए 9 से काटेंगे तो 9 6 54 और 9 6 54 और 9 6 54 ऐसे आता चला जाएगा, यहाँ पर 6 पॉइंट कितना जाएगा, 6.666। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6.66 आ रहा है, यहाँ पर माइनस भी है ना ऊपर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, -6.67 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 125 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाई मरकरी थर्मामीटर। वो अधिकतम तापमान कौन सा है जो मरकरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है, ठीक। तो देखिए उस अधिकतम, वो जो अधिकतम तापमान होता है जिसको दोस्तों हम मरकरी थर्मामीटर द्वारा माप सकते हैं, वो रहता है आपका 300 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 126 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपको टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये आपका कहलाता है आपका बायोमेटेलिक थर्मामीटर, ठीक। तो बायोमेटेलिक थर्मामीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 3000 डिग्री सेल्सियस तक अगर मापना है तो वहां पर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग। तो 127 का दोस्तों यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा रेडिएशन पायरोमीटर। अब देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू फिजिकल कॉन्टेक्ट। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। तो देखिए जिस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक माध्यम से, देखिए भौतिक माध्यम से जो होगा वो कंडक्शन के द्वारा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चालन के द्वारा, यहाँ पर चालन होता है, ठीक। कंडक्शन मतलब चालन, चालन विधि द्वारा होता है, ठीक। तो 128 का दोस्तों यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका कन्वेंशन, ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेंशन। कन्वेंशन का इसका हिंदी जो होता है वो होता है आपका संवहन विधि, ठीक। तो संवहन आपका या कन्वेंशन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। तो देखिए ऊष्मा संचरण की जो रेडिएशन विधि है वो है दोस्तों कि जो सूर्य से प्रकाश आता है दोस्तों पृथ्वी पर, वही दोस्तों क्या होता है हमारा रेडिएशन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। द हीट फ्रॉम सन ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस। सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, ये हमारा रेडिएशन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण है। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड इज एक्सपेंड्स व्हेन हीट। यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर लंबाई बढ़ेगा, ठीक, अगर लंबाई बढ़ रहा है ठोस का, अगर लंबाई बढ़ेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सपेंशन,
तो 131 का यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 131 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एज यहाँ पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो देखिए तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक, तो यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक 132 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक। अब देखिए रेखीय व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है, तो वही प्रति डिग्री सेल्सियस रहता है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस मतलब यानी कि कुछ नंबर दिया रहेगा और उसका प्रति डिग्री सेल्सियस, तो 133 का यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है, अब देखिए 134 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर 2 × लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि 2 × रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर एक रेखीय प्रसार है यानी कि सिर्फ लंबाई में हो रहा है तो उसको हम लोग लीनियर कहते हैं, जब 2 रेखीय प्रसार है तो ये हमारा क्या रहेगा सरफेस वाला रहेगा, और जब 3 की बात कर देगा तो ये हमारा घन वाला हो जाएगा, ये 2 की बात करता है ये 1 की बात करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 की बात किया गया है, तो जब 2 की बात किया जाएगा तो वहां पर हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन। ठीक, 3 की बात करता तो क्यूबिक एक्सपेंशन हो जाता, तो 134 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म कॉल्ड फॉर 3 × लीनियर एक्सपेंशन, तो 3 × रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्यूबिक का करेंगे। ठीक, एक के लिए कौन सा रहता है, तो ये को ये एक के लिए रहता है, ये आपका 2 के लिए रहता है, ये आपका 3 के लिए रहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 136 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड इफ इट इज फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेल्सियस, यदि एक रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को। अब यहाँ साइड में आप लोग देखिए मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ, जो फार्मूला होता है ये रहता है LT इक्वल टू L0 और इसके बाद रहता है आपका 1 + α δT। LT मतलब ये आपका समझिए जो लास्ट वाला रहता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है ये हमारा किसका मान दिया है L0 का दिया है, और ये L0 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, LT का मान यहाँ पर हो जाएगा 100.14। ये किसका मान है, ये देखिए T1 और ये T2 का मान है लंबाई इस पर, ये देखिए यहाँ पर ये L0 का मान दिया है और ये 100.4, ये दिया है किसका मान, ये दिया है आपका 100.14, ये है LT का मान दिया है। ठीक, तो LT का मान यहाँ पर 100.14 रख दिए, और L0 यानी कि प्रारंभिक वाला कितना था, तो 100 मीटर था, 100 रख दिए। 1 + α मतलब रेखीय प्रसार गुणांक तो हमको ज्ञात ही करना, तो इसको अल्फा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस जो है आप यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस और है कितना 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80 हो गया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 100 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा ये दोनों। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 100.14 इक्वल टू 100 + α × 80 × 100। ठीक, तो यहाँ से देखिए 100, ये 100.14 में से 100 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.14 आ जाएगा, और अल्फा ज्ञात करेंगे तो बटे 80 × 100 हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों
ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.0000717, इतना आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा आ जाएगा इसमें इतना। अब इसको जो हम लोग 1.75 × 10⁻⁵ ही लिख सकते हैं, और ये मात्रा कितना आएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये रेखीय प्रसार गुणांक है, क्योंकि नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस आप लोग आंसर अभी कुछ देर पहले आप लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों 136 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग, तो ये हो गया 136 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट। अब इसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, तो विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा यहाँ पर। 138 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, एम का मान 120 लीटर है, टी का मान T1 का मान 20 डिग्री सेल्सियस, T2 का मान 85 डिग्री सेल्सियस, S का मान है 4.2, तो Q का मान पूछा है, तो कितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी यहाँ पर, तो Q बराबर फार्मूला होता है ms∆T। M का मान दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे M का मान कितना दिया है 120, S का मान यहाँ पर आपको कितना रखना है 4.2 रखना है, तो यहाँ पर 4.2 रख दिए। ∆T यानी कि T2 - T1, तो यहाँ पर देखिए 120 × 4.2 × यहाँ पर देखिए 85 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 85 में से 20 घटाएंगे हमारा आएगा 65 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हमने 65 रख दिया, तो टोटल हमारे ये जो मान निकल कर आएगा 32760 आ जाएगा, इतना ये हो जाएगा हमारा किसमें, जूल में, किलो जूल हो जाएगा ये आपका। ठीक, करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 32760। तो 138 के यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32760, यानी कि 138 के यहाँ पर दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बी वाला। 139 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इक्वल टू 0.1। कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, तो देखिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, यानी क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यही होता है। यहाँ पर देखिए सैंड का स्पेसिफिक हीट, यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड, एस का मान दिया है कितना 0.1, एम का मान दोस्तों कितना दिया है 85.5 हो गया, एस का मान 0.1 दिया ही है, डेल्टा टी 35 में से 20 घटाएंगे हमारा कितना आएगा 15 आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, 85.5 × 10⁻⁰ कितना है 15 है। ठीक, तो इन सब का दोस्तों अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 128.25, ये जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 139 का यहाँ पर बी आंसर, सॉरी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 128.25 जूल। अब देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ वी रिक्वायर, यहाँ पर 510 कैलोरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, ठीक, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, किसका मान पूछा है, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्मॉल एस का मान पूछा है, तो फार्मूला क्या हम लोग लगाएंगे, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यही फार्मूला लगाएंगे। क्यू का मान दोस्तों यहाँ पर कैलोरी में कितना दिया है 510,
एम का मान देखिए कितना दिया है, यहाँ पर देखिएगा 170 ग्राम दिया है। हिंदी में नहीं दिया है लेकिन इंग्लिश वाले में दिया है, ठीक। इसे आप लोग समझ जाइएगा कि अगर हिंदी गड़बड़ रहा है तो आपको इंग्लिश पढ़ के जाना है। तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पर एम का मान कितना दिया है, 170 ग्राम। एस का मान देखिए यहाँ पर कितना है, एस का मान हमको ज्ञात करना है, डेल्टा टी 80 और 50 है, तो 80 में से 50 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग यस का मान ज्ञात अगर करेंगे तो यस इक्वल टू कितना आएगा, 510/170/30। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 70 51, और देखिए 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 10। तो 1/10, 1/10 यानी कि आपका 0.1, 140 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 141 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट दिया 0.092 कैलोरी प्रति ग्राम फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में 50 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.092 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसको वही उसी फार्मूले से आप लोग निकालिए, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से। तो यहाँ पर देखिए Q एम का मान कितना दिया है, 300 ग्राम दिया है, तो यहाँ पर 300 मैं कर दिया। एस का मान देखिए 0.092 दिया है, डेल्टा टी देखिए तो 75 में से 25 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/10 यहाँ पर आ जाएगा 1380। ये किस में आएगा, हमारा कैलोरी में आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो दिया है विशिष्ट ऊष्मा, ये आपका कैलोरी में है, कैलोरी प्रति ग्राम में है, और ये भी आपका ग्राम में है, सब कुछ तो आपका कैलोरी में आएगा। इसको किलो कैलोरी में बदलेंगे तो 1.38 ये कितना हो जाएगा, किलो कैलोरी, ठीक। तो 1.38 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 141 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है 142 नंबर का, कह रहा है हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब बाय ए कॉपर इनगॉट वेटिंग सॉरी वेजिंग 400 kg इज हीट फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर द पर्पज ऑफ फोर्जिंग, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.09। कह रहे हैं फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है, तांबे की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह 0.09 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यही है, क्यू का मान पूछा गया है, तो क्यू का मान ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, अपना क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम का मान दोस्तों यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए 40 किलो है, तो सॉरी 400 किलो है, तो 400 कर दिए। एस का मान देखिए कितना दिया है, 0.09 दिया है, 0.09। डेल्टा टी 140 से कितना हो रहा है, 72, तो 72 में से 40 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 32 आ जाएगा, तो 32 यहाँ पर हम लोग रख दिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1152 आ जाएगा, आप ये कितना हो जाएगा, किलो कैलोरी। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये आपका किलो में दिया गया है वजन, तो किलो कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट स्ट्रिंग्स हीट फ्लो बाय रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं, यानी कि चालक संवहन और रेडिएशन के द्वारा जिसमें ऊष्मा का प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं, तो हमारा इंसुलेटर होता है यानी कि कुचालक। 143 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 144 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज हीट इंसुलेटर, कौन ऊष्मा रोधक है। देखिए ऊष्मा रोधक जो रहता है वो हमारा रहता है थर्मोकोल, ठीक।
145 नंबर क्वेश्चन है, विच वन हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? तो ऊष्मा चालकता दोस्तों ठोस बर्फ में यानी कि सॉलिड आइस में ऊष्मा चालकता ज्यादा होती है। 146 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का कौन सा गुणधर्म नहीं होता है? तो देखिए जो डक्टिलिटी है दोस्तों यह पदार्थ का गुणधर्म होता है, ऊष्मा रोधक मटेरियल का गुणधर्म नहीं होता। ऊष्मा रोधक मटेरियल में दोस्तों उसकी चालकता कम होती है, आग का प्रतिरोध और कम नमी और शोषण ये सब करता है। ठीक, 147 नंबर क्वेश्चन है, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मटेरियल कौन सा होता है? तो ये रहता है आपका पॉलीयूरेथीन। 147 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए पुअर हीट इंसुलेटर, कौन से पुअर यानी कि खराब ऊष्मा रोधक है? तो देखिए जो खराब ऊष्मा रोधक है दोस्तों वह हमारा ग्लास यानी कि कांच। 148 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है? तो देखिए जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो 149 का यहाँ पर दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। ठीक, और देखिए 150 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है आपका क्वथनांक नहीं होता, ये आपका होता है गलनांक। ठीक, और दोस्तों देखिए जो एल्युमिनियम का गलनांक होता है वो होता है आपका 660 डिग्री सेल्सियस, तो हिंदी आप लोग सही कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है 151 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम, पानी का सॉरी एल्युमिनियम का यहाँ पर गलनांक नहीं रहेगा, ये यहाँ पर आपका रहेगा क्वथनांक, अब रहेगा हिंदी यहाँ पर गलत दे दिया है। ठीक, और देखिए एल्युमिनियम का जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो रहता है आपका 2519 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 151 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों 152 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये पानी का क्वथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो 152 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर का, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है आपका दोस्तों गलनांक। ठीक, तो मरकरी का गलनांक कितना होता है? तो देखिए मरकरी का जो गलनांक होता है दोस्तों वो आपका रहता है -38.72 डिग्री सेल्सियस, तो 153 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 154 नंबर देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, मरकरी का देखिए यहाँ पर गलनांक नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा यहाँ पर क्वथनांक। ठीक, तो मरकरी का क्वथनांक कितना होता है? देखिए दोस्तों जो मरकरी का क्वथनांक रहता है ये आपका रहता है 357 डिग्री सेल्सियस, तो 154 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, बल या थ्रस्ट और इकाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रेशर। ठीक, तो दबाव इक्वल टू क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, वही चीज यहाँ पर बताया गया, बल बटा क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर दाब बराबर क्या होता है आपको, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर P इक्वल टू F अपन A, यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 156 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विवेलेंट पास्कल वैल्यू फॉर वन बार, एक बार का समतुल्य पास्कल मान कितना होता है? तो देखिए दोस्तों एक बार बराबर होता है आपका 10 का घात यहाँ पर 5 पास्कल, तो 10^5 पास्कल होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर 105 नहीं, ये 10^5 होगा। ठीक, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 156 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो गया। 157 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो देखिए दोस्तों दाब की जो एसआई इकाई होती है ये होता है आपका पास्कल।
ठीक, तो 157 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हम लोगों का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला हमारा जो चैप्टर आएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा मॉड्यूल 7। तो इसको हम लोग देखेंगे कल। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो वेबसाइट है ऑब्जेक्टिव सेंटर, आप लोग इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा ITI के एडमिट कार्ड, ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का NME PDF, इंजीनियरिंग ड्राइंग। यहाँ पर देखिए ITI एग्जाम का एक सेक्शन यहाँ पर मैंने बना रखा है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग देखिए ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का NME PDF मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मिल जाएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो क्लासेज मैं ले रहा हूँ यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नया PDF जारी किया गया, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए 2022 में जो पेपर हुआ था सेकेंड ईयर का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर का देखिए पेपर डाउनलोड करने के लिए 2022 का जो ऑफिशियल पेपर है ITI का यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर .in जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी नाम से विजिट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए टेलीग्राम चैनल यहाँ पर है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो ग्रुप है इस नाम से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल जो आपको होने जा रहा है इसका यहाँ पर मैंने डाल रखा है पिछले साल का पेपर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका सेट कराया जा रहा है, इलेक्ट्रीशियन का भी है और सभी सेट हैं। तो आप लोग इसको जाके देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।